हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसिंग एप्लीकेशन के बारे में। housing.com से जो बहुत बड़ी एक प्रचलित है और बहुत बड़ा इसका एक ब्रांड बन गया है, जो आज के डेट में आपको घर खरीदने से लेकर रूम लेने से लेकर सभी जानकारी इस पर मिलती है। सो गाइज, मैं हूँ शुभम और आज की वीडियो में बात करेंगे हम इसी के एप्लीकेशन के बारे में, फुल रिव्यू, इसके वेबसाइट और इसके ऐप के दोनों फीचर के बारे में हम बात करेंगे और अच्छा से समझाएंगे इसे यूज कैसे करेंगे, आपको कर लेना है या आप रूम में रह कैसे, सभी के बारे में हम इसको जानकारी कर देंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हाउसिंग एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और प्ले स्टोर पर आकर आप इजीली डाउनलोड कर लेना है। हाउसिंग लिखिएगा, ये housing.com लिख दीजिएगा या फिर हाउसिंग ऐप लिख दीजिएगा कीवर्ड लगा के, तो वो आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर में। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर हाउसिंग पर क्लिक करके देख लेंगे कि इसका कौन सा दो एप्लीकेशन बना हुआ है, एक हाउसिंग असिस्टेंट रेंट सेलर। एक तो है कि आप ओनली थोड़ा मतलब रेंट के लिए दे देते हैं, मतलब सेल नहीं करते हैं प्रॉपर्टी, ओनली रेंट के, और एक है जो आपको रेंट भी देते हैं और सेल भी करते हैं। या तो हमको यहाँ पर फर्स्ट वाला को डाउनलोड कर लेना है, फिर यहाँ इसको जैसे कि मैं यहाँ पर डाउनलोड किया हूँ, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस इस तरह से आएगा, दिखाता हूँ। इसका एक लोगो मिल जाता है आपको, यहाँ पर सभी देखिए, होम सर्च, पे योर रेंट, पोस्ट योर प्रॉपर्टी, होम रिलेटेड सर्विस। आपको किस सर्विस में चाहिए, जैसे मान लो कि होम सर्च, मुझे घर सर्च करना है दिल्ली में, घर है कि नहीं, यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसको यहाँ पर अब ऑप्शन पूछा जाएगा इंटर मोबाइल नंबर, आप कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देंगे और उसमें डालकर अपना लॉगिन करके एक आईडी बन जाएगी, जैसे कि मैं अपना डाल देता हूँ। और डालने के बाद में ओटीपी आएगा, ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वेट कर लेंगे, ओटीपी आते हैं इसे हम सबमिट करेंगे। किसी भी तरह कोई भी तरह हमको ओटीपी अभी रिसीव नहीं हुआ है, वेट करते हैं अभी। और अगर ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो फिर सेंड पर क्लिक करेंगे। अगर बैक आके हम यहाँ पर मैसेज में देख लें, नहीं मिला हुआ है। एक बार और करते हैं रिसेंड, क्या प्रॉब्लम है, ओटीपी नहीं आ रहा है, देखते हैं फिर। OTP नहीं आया अभी तक, ले कुछ टेक्निकल इशू लगता है कि हो गया क्या। OTP आ जाओ आ जाओ, ये बता रहा है OTP सेंड कर दिया हूँ, लेकिन OTP अभी तक मिला नहीं है मेरे को। लगता है कुछ टेक्निकल इशू है, फिर से हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे वो भी बताते हैं हम आपको। इस पर बैक आते हैं हम, इसको और बैग आते हैं, इसको यहाँ से स्किप करेंगे। अब आपको यहाँ पर फिर अब देखा जाएगा, छोटी जो OTP अगर आ जाता है तो OTP डाल लीजिएगा, एक आईडी बन जाएगी, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आएंगे रेंट बाय और PG को लाइव पर, जैसे कि मान लो कि बाय करना है तो बाय पर क्लिक किया, और बाय पर क्लिक करने के बाद में कुछ इसका इंटरफेस इस तरह से आएगा, जैसे सिटीज का नाम आता है, तो जैसे कि दिल्ली में भी है तो दिल्ली के दिल्ली पर हम क्लिक करेंगे। और अब फिर दिल्ली में कहाँ किस लोकेशन पे है आप एग्जैक्टली उसको लोकेशन डालना हो, जैसे कि मैं डालता हूँ रोहिणी, अगर आपको सर्च में नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे रोहिणी। अब साउथ में आता है रोहिणी, सबको पता होना चाहिए, देख लेंगे रोहिणी सेक्टर 3 कौन सी है, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना, जैसे कि मैं इस केस में कर लेता हूँ रोहिणी सेक्टर 3, जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया
क्लिक करने के बाद में इसकी प्राइजेस के बारे में ये आपको दिखाई देता है, बजट कितना है, जैसे कि आपको बजट 0 से लेकर 5 करोड़, जिसे 0 से लेकर 1 करोड़, तो चलिए मैं रख लेता हूँ अपनी 1 से 1.5 करोड़ तक के बीच में। आराम से आप इसको नेक्स्ट करेंगे। 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 3+ BHK फ्लॉट मैं यहाँ पर चूज कर लेते हैं, 3 BHK व्यू प्रॉपर्टी पर सब ही पर देख लेंगे एक बार समरी। अब आपके सामने वो भी लिस्ट जारी होगा जो इसके अंतर्गत आता होगा। इसका हमारे पास ये 3 BHK के इंडिपेंडेंस होम, आप देख सकते हैं आपके सामने जो भी लिस्ट होगा वही लिस्ट होगा जो इसमें होगा। अब मान लीजिए कि सबसे पहले हमको ये कर रहा है, सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले जो आता है उसी को हम मानते हैं, तो इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक करके हाउस को फोटो कुछ लगा हुआ है देख लेंगे। बेडरूम देख लेंगे। यहाँ पर लोकेशन पर क्लिक करके लोकेशन देख सकते हैं, अर्जेंट को कॉल करना है कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, व्यू फोन पर करके उसका नंबर निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप उसे कॉल करके बात कर सकते हैं कि उसका नाम क्या है, अपने आप नाम डाल करेंगे उसके पास चलेगा, वो कॉल कर लेगा आपको। यहाँ पर एजेंट को सीधे यहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं, और यहाँ उसका पूरा समरी पढ़ लीजिएगा कि ओवरव्यू कितना है, कितना स्क्वायर फीट है, क्या है, ये सब चीज़ आपको एक बार रीड कर लेना, रीड कर लीजिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए और दूसरा देख लेते हैं हम, इसे भी अच्छा मिल जाए हमें तो अच्छी है, यह 82 लाख में मिल जा रहा है। देखिए 3 BHK इंपेंडेंस होल्ड, इसको भी छोड़िए, ये देख लीजिए 80 लाख तो कर लीजिए। किचन बाथरूम ये सही है, बट आपको देखना है आपको जो अच्छा लगे उसी को आपको इजीली तरीके से यूज कर लेना है। एक काफ़ी एक प्लेटफॉर्म ढूंढने का आसान है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट करने के बाद में आप उसे एक बार पेपर सही से चेक करें, पेपर में क्या क्या देखना है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। उससे पहले कि हम एक चीज़ और बता दें आपको, कुछ सेटिंग के बारे में छूट गया है यहाँ पे, जैसे कि पे रेंट, अगर आप रूम पर लेते हैं तो आप यहाँ पर पे कर सकते हैं हाउस रेंट, ऑफिस रेंट, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करना है, ऑफिस रेंट के लिए रेंट अमाउंट डालिए, नेक्स्ट अमाउंट डालिए और पेमेंट कर दीजिए, जो भी रजिस्टर्ड होगा उसके अकाउंट वॉलेट में पेमेंट चल जाएगा। ऐसे हम करते हैं, फिर यहाँ पर डील्स पर आएंगे, गेट पर आएंगे, प्रोफाइल पर आके अपनी प्रोफाइल देख लेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन विथ गूगल या लॉगिन विथ फोन पर, एग्जैक्टली आप इसे लॉगिन गूगल से ही कर लीजिएगा कि फ़ोन नंबर ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप इसे गूगल से कर लेना है, और इजीली तरीके से है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा है नहीं। रेंट एग्रीमेंट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, पैकेज मूव पर आ सकते हैं, रेंट वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, रेंट फर्नीचर, और खास बात ये भी जो भी है इसमें जो भी प्रॉपर्टी डीलरशिप इसमें रजिस्टर्ड है वो एक रजिस्टर्ड है, ऑथराइज पर्सन है, ये नहीं कि कुछ फेंक है, फेंक वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल अच्छा है। तो आप इसे गुंजाइश है कि आप इसे यूज कीजिए, बिल्कुल सेफ है। आप यहाँ पर रेटिंग के बारे में आप इन लोगों से पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अगले थैंक यू, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए।